हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित जी पर। और आज बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। अभी करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो बंद हो गई थी बीच में कुछ वजह से, पर अभी आप लोगों की कल से क्लासेस रेगुलर चालू रहेंगी, मतलब मंडे से, है ना। तो आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी करंट अफेयर्स की, उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस अब आने वाले हैं और रेगुलर आते रहेंगे। तो अब नहीं डिस्टर्बेंस होगा, अब ना तो कहीं गैप होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से कुछ गैप हुआ। पर यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उनकी राजधानियाँ क्या हैं किसी भी राज्य की। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें करंट की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, पुरानी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, क्योंकि गवर्नर और सीएम ये इनसे एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं आने वाले एग्जाम में। तो अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पर हो सकता है कुछ आप लोगों ने जो पढ़ा हो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हों। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं पूछा जाता, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन तो बनेगा ही। क्योंकि कभी हो सकता है कि राज्यपाल पूछ ले आपसे किसी राज्य का, या तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पूछ ले, या कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे हो गया मणिपुर हो गया, इस टाइप के जो राज्यपाल हैं तीन चार राज्य हैं जिनकी राजधानियां बहुत मुश्किल हैं, मतलब याद नहीं होती जनरली, है ना। तो वो चीज़ें कैसे आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप लोगों ने कोर्स देखा होगा, उसके कुछ वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। तो उसके कुछ वीडियोज़ आपको 2 से 3 दिन के अंदर, उसका जो डाइस का कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं 2-3 वीडियो, उसमें अभी और ऐड होने हैं, तो वो चीज़ें जल्दी ही आ जाएंगी। बाकी आपके करंट अफेयर्स की क्लासेज रहने वाली है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नया वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है वो है अपॉइंटमेंट, मतलब जो नियुक्तियां हुई हैं लास्ट 4 से 5 महीनों के लिए, उसी में अभी वर्क चल रहा है, उसी में काम कर रहा हूं मैं। तो अभी उसका भी वीडियो आने वाला, 2-3 दिन में आपका उसका भी वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी 4-5 महीने की पुरानी अभी नियुक्तियां हैं अपॉइंटमेंट हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 5 महीने तक का नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में। तो इतना हम वो सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके अभी, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी की भी लिंक दी हुई है और वहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहां पर अब होने वाली हैं रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी लिंक पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत ही धमाकेदार सेशन ये होने वाला है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर राज्य वो है आंध्र प्रदेश। जितने राज्य हैं ये सभी राज्यों की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक एक करके देखते चलेंगे, तो सब चीज़ें आप ध्यान से देखते चलिएगा। पहला राज्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब इसकी अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी क्या है, अमरावती, है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। उसके बाद अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, इसके राज्यपाल जो है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। इनका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन, मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र मतलब आंध्र से आप रिलेट कर सकते हो अंधा, मतलब ऐसा प्रदेश जो अंधा है, वहां के राज्यपाल कौन है, जो हेड है वो कौन है, हरिचंदन जी, विश्वभूषण हरिचंदन, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल मतलब अरुण, अगर आप अरुणाचल को अलग अलग करेंगे तो क्या होता, अरुण अचल, मतलब अरुण जो है अचल है। क्यों अचल है, क्योंकि वो ईटानगर, नगर से ईटा लेने गया था। ईंट होती है ना जो घर बनाई जाती है, ईंट, आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, कि अरुण जो है वो अचल हो गया, मतलब वो चल नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि वो नगर से ईंट लेने गया था तो थक गया था, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, ईटानगर। अब वहीं गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो वो कौन है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ये बीडी मिश्रा जी हैं जो कि कौन है, अरुणाचल प्रदेश के अभी गवर्नर राज्यपाल हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, तो वो कौन है, पेमा खांडू जी। अगला राज्य है असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, असम, है ना। सम का मतलब क्या समझते हैं आप, सम मतलब किसी चीज को सम करना, प्लस करना, है ना। तो दिसपुर असम, असम दिसपुर, तो आप कुछ भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि असम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर। और वहां के राज्यपाल जो है वो है जगदीश मुखी जी,
है ना। तो असम दिसपुर जगदीश मुखी और वहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जी आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। वहां के गवर्नर की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए, तो वो हो गए आपके जगदीश मुखी। और वहीं राजधानी की बात की जाए तो वो क्या हो गई, दिसपुर। अब बात आती है बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना, है ना। तो बिहार की राजधानी पटना है। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, फागू चौहान जी। तो इनका नाम क्या है, फागू चौहान। सीएम मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, आप सबको पता है कि नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर पार्टी कौन सी है, तो जनता दल। अब बहुत सारे ऐसे कई एग्जाम है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि आप पार्टी भी पूछी जाते हैं, पर पार्टी नहीं पूछी जाती जनरली। अभी तक किसी भी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं आया जिसमें किसी राज्य का ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जा सकते, है ना, नहीं पूछे जाते, तो नहीं पूछा जाएगा। तो इतना आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा उस चीज़ का, जितना है बस इतना ही चीज़ें आपको देख के चलनी है। तो बिहार का देख लिया हमने, बिहार की राजधानी क्या हो गई, पटना, राज्यपाल हो गए फागू चौहान और मुख्यमंत्री कौन हो गए, नीतीश कुमार जी। अगला है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, नया रायपुर बिलासपुर। पहले थी बिलासपुर, अभी जो नई राजधानी बनी है नया रायपुर, ठीक है। इसका नाम भी बदला गया है, रायपुर का नया नाम बताया गया है। तो अब इसका नाम क्या है रखा गया था, एक साल पुरानी न्यूज है। तो अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा कि रायपुर के नया नाम क्या रखा गया है, नया रायपुर का, ठीक है। अब अगर राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है, अनुसुईया उइके, उइके जे छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के गवर्नर है राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना, मतलब सबसे बढ़िया राज्य है छत्तीसगढ़, ऐसा बोला जाता है। अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है वहाँ के, भूपेश बघेल। ये कांग्रेस के हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि 2018 में जब दिसंबर में चुनाव हुए थे तो उस टाइम तीन राज्यों में लगातार कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और था राजस्थान। मध्य प्रदेश की न्यूज़ तो अभी आप लोगों ने देखी होगी क्या उठक पटक चल रही है। तो आने वाले दिनों में, दो चार दिनों में सरकार बदलेगी और कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। अगला राज्य है गोवा। अब गोवा तो सबका भैया सपना होता है, है ना, सबका ड्रीम होता है कि भैया एक बार तो गोवा जाना है। सबका प्लान बनता है दोस्तों के बीच में कि भैया गोवा जाना है, और जा नहीं पाता कोई। तो गोवा की जो राजधानी है वो क्या है, पणजी, उसको हम पणजी बोलते हैं, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और वहीं राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है, सत्यपाल मलिक। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, ये है प्रमोद सावंत जी। और इसके पहले कौन थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वहां के मुख्यमंत्री। क्या नाम था उनका, मनोहर पर्रिकर, जो कि रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये थे मनोहर पर्रिकर, उनके निधन हो गई थी, उसके बाद वहां के नए सीएम बने जो हैं वो कौन है, प्रमोद सावंत जी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला राज्य है गुजरात। अब गुजरात का तो सब लोगों ने नाम सुना, अपने मोदी जी वहां गुजरात के हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से थे, है ना। तो गुजरात के कौन है, अपने राष्ट्रपिता जी कहाँ, राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। गुजरात की राजधानी क्या हो गई, गांधी, मतलब उन्हीं के नाम पे क्या उनकी राजधानी रखी गई है, गुजरात की। अब वहां की अगर राज्यपाल की बात की जाए तो वो कौन है, आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान के। और वहीं अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो कौन है, विजय रूपाणी जी। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा की राजधानी होगी आपकी चंडीगढ़। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन हो गए, सत्यदेव नारायण आर्य। इनके राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है, सत्यदेव नारायण आर। और वहीं मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो ये चीज हो गई। इसके बाद चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश। अब अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग में आप चल रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश। अब इसकी राजधानी क्या है, शिमला। भैया शिमला का भी बहुत लोगों का सपना होता है, एक तरीके से ड्रीम होता है। कुछ लोग सोचते हैं शादी के बाद जाएंगे, कुछ लोग शादी के पहले जाते हैं। शिमला बहुत ही अच्छी जगह है ना, आप सबको पता होगा। तो शिमला चलते हैं। अब शिमला कहाँ की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। तो आपको ये नाम याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। वहीं हम बात करें अगर राजधानी मुख्यमंत्री की, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है, जयराम ठाकुर जी। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सोले वाले ठाकुर साहब, ये कहाँ के हैं, ये मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद बात आती है झारखंड। अब झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, है ना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी जी कहाँ के हैं, रांची के हैं, है ना। रांची कहाँ में है, झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या हो गई, धोनी। अब इस तरीके से याद रखो, झारखंड की राजधानी क्या, धोनी। धोनी कहाँ के हैं, रांची के।
यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो इनका नाम क्या, झारखंड के जो गवर्नर राज्यपाल इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है, इतनी चीज है। एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है कर्नाटका। अब कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, है ना। और वहां के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है वजू भाई रुद्रा भाई वाला, है ना। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, थोड़ा आप गलत मत समझिएगा, यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर सकते हो वजू भाई दारू वाला, है ना। दारू वाला है रुद्रा भाई वाला, आप इस तरीके से याद रिलेट कर सकते हो कि दारू भाई दारू वाला कहाँ के हैं राज्यपाल? कर्नाटक के। अब ये मत सोचिएगा कि मैं किसी राज्यपाल की बेइज्जती कर रहा हूँ या उनका अपमान कर रहा हूँ, ये आपको एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं आप कैसे भी, क्योंकि बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। आप कैसे भी याद करें, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से याद करते हैं, है ना। तो याद करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप कुछ भी खुराफात दिमाग चलाओ, क्योंकि सबका खुराफाती दिमाग होता है। कैसे भी दिमाग चलाओ, कुछ भी करो, आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, कैसे भी याद करो, आप कुछ भी दिमाग चला सकते हो उसमें। अब बात आती है सीएम के, मुख्यमंत्री की, तो येदियुरप्पा, है ना। तो बीएस येदियुरप्पा जी कौन है? मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। अब बात आती है केरला की, तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, सबको पता है ये तिरुवनंतपुरम। और वहीं राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और वहां के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है भैया अपना मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी लालजी टंडन, इनका नाम भी आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से अभी सुना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीति की अभी यहाँ पे हलचल मची हुई है, राजनीति में उठा पटक हो रखी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अभी अगर बात करें तो करंट में तो भी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की राजनीति उछली हुई है, है ना, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो इनका नाम तो सुना होगा कि वहाँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने इनसे मुलाकात करी, ये करा वो करा, ये सब चीज़ें चलती रहती, तो आपको इनका नाम तो याद रहेगा। अब यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? कमलनाथ जी, पर ये बहुत दिन रहने वाले नहीं हैं, है ना। ये मत सोचेगा कि मैं कांग्रेसी हूँ या बीजेपी हूँ तो इस वजह से बोल रहा हूँ, वो अपना एक मेरा पर्सनल व्यू है, मगर यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से अभी यहाँ पर सब उठापटक राजनीति में चल रही है, उस हिसाब से बहुत दिन हो सकता है कि यहाँ पे चेंज हो, कुछ आपको बदलाव देखने को मिले आने वाले टाइम में, दो चार दिनों में ही, ज़्यादा दिन नहीं, है ना। तो आई होप कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हो सकता है शायद वैकेंसी आए, है ना। अब शायद आप लोग कुछ लोग अगर कांग्रेसी होंगे तो मुझे बोलेंगे कि हरी सर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये अच्छा किया, बीजेपी ने ये अच्छा किया। देखो देखो भाई, वो आपका एक अलग व्यू पॉइंट है, मेरा अलग पॉइंट है, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर बहस नहीं कर रहे हैं, मेन बात कर रहे हैं कि देखो कोई भी सरकार हो, हमें किससे मतलब है? रोजगार से। रोजगार आना चाहिए, है ना, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो साल से कोई भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई है, तो वो चीज़ होना चाहिए। बाकी वो कमलनाथ जी लाएं या शिवराज मामा लाएं, कोई भी लाए, हमें उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ रोजगार से मतलब है, रोजगार लाए, काम अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चले, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। बाकी अपन डेली करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें अपन इसके बारे में बात करेंगे ही सही, जब बदलाव होगा। अब बात आती है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, है ना, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, है ना, भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री की तो वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला चलते हैं अपन के मणिपुर। अब मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अब यहाँ से तीन चार आपको ऐसे राज्य मिलने वाले हैं जिनकी राजधानियाँ थोड़ी टिपिकल होती हैं, याद नहीं होती बेसिकली जल्दी से, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। वहाँ के गवर्नर हैं नजमा ए हेपतुल्ला, है ना, नजमा ए हेपतुल्ला जी वहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर वहीं बात करें मुख्यमंत्री की तो वो हैं बीरेन सिंह। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। अब बात आती है मेघालय की, तो मेघालय के भी राजधानी कौन है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और वहाँ के गवर्नर है आर एन रवि, इनका नाम है आर एन रवि जी, ये मेघालय के राज्यपाल है। और कहीं बात करें मुख्यमंत्री की तो वो कौन है? कॉनराड कुंगकल संगमा। तो इनका थोड़ा नाम भी, राजधानी पहले तो राजधानी याद नहीं होती गवर्नर का, तो चलो आप याद भी कर लोगे आर एन रवि। वहीं बात की जाए कि सीएम मुख्यमंत्री कौन है, तो कुंगकल संगमा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम, है ना, मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल, आप दो तीन बार ऐसे रिपीट करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा,
ये आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ कि आप मिजोरम आइजोल, आइजोल मिजोरम, मिजोरम आइजोल, इस तरीके से आप 4-5 बार 10 बार ज्यादा से ज्यादा 10 बार आप बोलोगे ना, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, वो नहीं भूलने वाला आपको कभी। मिजोरम की राजधानी हो गई आपकी आइजोल। वहां के अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, तो वो है P.S. श्रीधरन पिल्लई जी। और यही बात करें हम मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है, जोराम थांगा। और वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। यहाँ के गवर्नर भी हैं R.N. रवि जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीपीहू रियो। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं, तो नागालैंड के बाद है उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो आपको ये भी याद रखना, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेटर हैं, तो ये कहाँ से है, उड़ीसा से। आप ये दिमाग में बिठा लो, वो कहीं के भी हों, है ना, है तो यूपी के, तो आप दिमाग में बिठा सकते हो कि भुवनेश्वर कुमार उड़ीसा के हैं। अब एक अगर गवर्नर की बात करें राज्यपाल की, तो वो कहाँ के हैं, गणेशी लाल माथुर जी हैं वहाँ के गवर्नर राज्यपाल, और नवीन पटनायक उड़ीसा के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अब यहाँ पर आप लोग अगर नहीं पता होगा किसी को, तो आप लोग पूछोगे भाई हरियाणा की भी चंडीगढ़ थी और पंजाब की चंडीगढ़, तो जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं VP सिंह बदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और वहाँ के गवर्नर जो हैं अभी, वो कौन है, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, मिश्रा जी वहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो कौन है, अशोक गहलोत। तो या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में उठा पटक हुई, तो आने वाले टाइम में राजस्थान में भी हो सकता है। अगेन आप लोग बोलोगे कि फिर आप BJP की साइड ले रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, है ना, तो हो सकता है। पर अभी तो फिलहाल वही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगा, आप एक गंगटोक, अब यहाँ से गंग से आप क्या निकलते, गंगा नदी, तो गंगा नदी सिक्किम से निकलते, आप इस तरीके से सिंपल से याद रख लो। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। वहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अब देखो यहाँ से 2-3 चीज़ क्लियर हो गई कि सिक्किम के राजधानी भी है गंगा, मतलब गंगा सिक्किम से निकलती है, और वहाँ के राज्यपाल भी कौन है, गंगा प्रसाद, है ना, तो ये चीज़ याद। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई। इसके बाद राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हो गए, बनवारी लाल पुरोहित। अब मुख्यमंत्री कौन है, झड्डापी के इडप्पी के पलानी स्वामी। तो आपको इडप्पी वाला मत याद रखो, सीधे सिंपल से याद करना आपको, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी, है ना, तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, है ना, तेलंगाना की राजधानी क्या है, अभी हैदराबाद है, आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर क्या है, डॉक्टर तमिल साई साउंडराजन। तो आपको ये भी याद रखना, इसका थोड़ा मुश्किल रहता पर इसका याद कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट अभी नए हैं, तो कुछ ना कुछ इनसे न्यूज आती रहती, तो आप याद कर सकते हैं, है ना, तमिलई साउंडराजन यहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के, वहाँ की राजधानी हैदराबाद। और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, है ना। और यहाँ की अगर बात करें गवर्नर राज्यपाल की, तो रमेश बैस। रमेश बैस कौन है, त्रिपुरा के गवर्नर राज्यपाल हैं। और वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्पल कुमार देव, है ना, तो ये तो बहुत लोगों को याद होगा। उसके बाद आता है अपना यूपी। तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, है ना, सबको पता है कि नवाबों की नगरी लखनऊ यूपी की राजधानी है। अब वहीं बात करें आनंदीबेन पटेल वहां के राज्यपाल हैं। अब अगर आप लोगों को पता होगा कि आनंदीबेन पटेल कौन है, ये जब मोदी साहब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो ये उनके सबसे करीबी मंत्री मानी जाती थी, तो इनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया था आनंदीबेन पटेल जी को। फिर उसके बाद वहाँ पे विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री बने, और इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। मध्य प्रदेश के बाद ये यूपी चली गई, तो अब यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ये बेसिकली हैं गुजरात की। और योगी जी अपने कहाँ यूपी के क्या हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड भी बहुत ही प्यारा राज्य है, है ना, तो यहाँ की राजधानी क्या है, देहरादून। अब यहाँ की अगर राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी है, है ना, प्यार से किसी को रानी बोलते हैं ना, बच्ची को, छोटी छोटी जो बच्चियाँ रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रानी, रानी बेटी, रानी बच्चू, है ना, तो बेबी, बेबी को भी किसको बोला जाता है, छोटे बच्चे रहते हैं उनको बेबी बोला जाता है। अब वो सोना बाबू वाला बेबी मत समझ लेना, है ना,
कि सोना बेबी वाला, वो वाला नहीं है, ये बेबी छोटे बच्चों को जो बेबी बोलते हैं उससे रिलेट करना, या उससे भी रिलेट कर सकते हो जैसे आपको याद करना। तो बेबी रानी जी उत्तराखंड की राज्यपाल है। ठीक है, अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है ना। और यहाँ के जो राज्यपाल है, यहाँ को राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप सबको पता होगा, ममता बनर्जी, ममता दीदी वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अभी इतने ही, इसमें एक दो छूटे हुए हैं। कौन से छूटे हुए हैं? ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग बताइए कि दो राज्य छूटे हुए हैं, कितने छूटे हुए हैं और कौन कौन से, उनको आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। बाकी आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और यूट्यूब के इस वीडियो का पर्टिकुलरली आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि वीडियो कैसा था, आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप टॉपिक भी बता सकते हैं। जिस टॉपिक का ज़्यादा नाम आएगा उस पे वीडियो आएगा, और सभी टॉपिक पे लगभग वीडियो आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि एक किसी ने एक बंदे ने बोला आप उसको उसके ऊपर टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर वीडियो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आएगा। पर आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप सभी के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो आप जाके रिव्यू जरूर दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।